में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए, जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं कैंप में जी। कैंप में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगा। हाँ जी, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही, और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। आप बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट जी, जो कोचेज होते हैं जो जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं, और पता नहीं हजारों लड़की, हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से एक दो लड़की के साथ भी ये घटना हुई है जी, यहाँ पे जो बैठी है जी जी, तो ये पहले क्यों नहीं आवाज उठी इस बार, कितने पावरफुल लोग हैं जी, कितने पावरफुल लोग हैं, आज मैंने बोला है, आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। विनेश ये माफ कीजिएगा सवाल क्या, जो आप बोल रहे कि यहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हैं, क्या हुआ उनमें से जी, कौन जी, जी नहीं हम टाइम नहीं नाम नहीं लेंगे किसी का भी, हमारी भी इज्जत है, हम लड़कियाँ हैं, हम हिंदुस्तान में सीरियस एलिगेशन सर हम ऐसे नहीं लगाते, लड़कियाँ हमारी इज्जत है, हम देश के लिए, हम देश हमारे को ऊंची नजरों से देखता, हम अपने उनकी नजरों में गिरवाने के लिए नहीं कोर्ट से आएंगे या किसी भी थ्रू आएंगे तो वो चीजें, वो सब चीजें हम बताएंगे। और कितनी कम से कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन वो लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है, और हम आज इतनी इस हद पे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे को आज कुश्ती खत्म कर दो, भगवान की दया से मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। रेसलिंग को बचाने हम यहाँ पे आए हैं, सिर्फ हमारी ये हमारी मोटिवेशन है कि हमें लड़कियाँ, मैं लड़की हूँ, हमें क्या, हम तो एक दो साल और कर लेंगे ठीक, हम काफी सीनियर्स हैं, लेकिन हमारे आगे आने वाला भविष्य, हम अपनी क्या। झूठी FIR दर्ज होने पर क्या करें, कुछ लोग बदला लेने के लिए झूठे केस में फंसा देते हैं, या ब्लैकमेलिंग करके धन ऐंठने के लिए झूठे केस में फंसा देते हैं, या सामाजिक प्रतिष्ठा को नष्ट करने के इरादे से झूठी FIR दर्ज करा देते हैं। मुसीबत तो तब होती है जब आपके पास अपने बचाव के लिए पर्याप्त सबूत भी नहीं होते हैं, ऐसे में कोर्ट में रिलीफ मांगने जाएं भी तो किस मुंह से जाएं, और ऐसी कंडीशन में कोर्ट आपको रिलीफ कैसे देगा, क्योंकि झूठी FIR दर्ज कराने वाले बड़े ही शातिर खिलाड़ी होते हैं, वो इस बात को निश्चिंत करके ही आपके खिलाफ केस दर्ज कराते हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं हो और सारी परिस्थिति, गवाह और एविडेंस आपके ही खिलाफ हो। यदि आप एडवोकेट या लॉयर हैं और इस तरह के केस डील करते हैं, तो अपने नाम, फोटोग्राफ, योग्यता, लाइसेंस, अनुभव और रिज्यूम के साथ हमसे संपर्क करें plogindexing@gmail.com। हम आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिससे आपकी सर्विसेज लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच सके और वो लोग आपसे आसानी से संपर्क कर सकें जिन्हें आपकी ही एक्सपर्ट नॉलेज की आवश्यकता है। हमें ईमेल करें plogindexing@gmail.com। Так